तुम्हें पता है किसी को जानबूझकर तंग करना हराम है और रमजान में तो किसी को तंग करने का गुना और भी ज्यादा बढ़ जाता है। I'm sorry, मुझे पता नहीं था, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मजाक में भी किसी को तंग नहीं करना चाहिए। मैं ख्याल रखूंगा। अच्छा भाई, तुम लोगों ने और क्या क्या पढ़ा? मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ना चाहती थी मगर पढ़ नहीं सकी। क्या मैं तुम्हें कुछ बताऊँ? जरूर बताएं। कुरान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तذکرہ कई जगह है। सूरह आले इमरान में है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैह सलाम और इनके शरीयत की पाबंद और मुखलिस औलाद को मुंतखब फरमाया, फिर उनमें बतौर खास आले इब्राहिम को मुंतखब फरमाया। इनमें भी हजरत इस्माइल अलैह सलाम सरे फहरिस्त हैं। इसके बाद एक और पाकीज़ा घराने का जिक्र फरमाया जो इमरान का घराना था। इमरान हजरत मरियम अलैह सलाम के वालिद हैं। इमरान और इनकी बीवी दोनों अपने जमाने के बहुत नेक और इबादत गुजार लोगों में से थे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा ने नजर मानी थी कि उनके पास औलाद हुई तो वो उसे बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगी। खुदा की कुदरत से उनके यहाँ बेटी पैदा हुई। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम आपकी वालदा इन्हें लिए बैतुल मुकद्दस पहुँची। बीबी मरियम चाहती थी कि अपनी नजर पूरी करे। अच्छा, बीबी मरियम के वालिद कहाँ थे? बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद इमरान अपनी कौम के सरदार थे मगर वो आपकी पैदाइश के वक्त फौत हो चुके थे। जब आपकी वालदा ने आपको खुद्दाम मस्जिद के हवाले करना चाहा तो हर एक की ख्वाहिश थी कि सरदार की बेटी की किफालत इसके हिस्से में आए। इख्तलाफ दूर करने के लिए कुरानदाजी की गई। हजरत जिकरिया अलैहिस्सलाम जो इस जमाने में नबी थे, आपके हक में कुरा निकला। हजरत जिकरिया की बीवी हजरत मरियम की बहन या खाला भी थी। गर्ज आपकी परवरिश हजरत जिकरिया की जेरे किफालत और जेरे निगरानी हुई। आप बड़ी हुई तो आपके लिए मस्जिद में एक जगह मखसूस कर दी गई। आप वहाँ इबादत में मसरूफ रहती और अपनी बारी का इंतजार करती। जब आपकी बारी आती तो बैतुल मुकद्दस की खिदमत के हवाले से अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करती। आप इस कदर इबादत गुजार थी कि बनी इसराइल में आपकी इबादत की मिसाल दी जाती थी और अल्लाह ताला की तरफ से आपकी खुसूसी तवाज़ा होती थी। हजरत जकरिया जब आपके हुजरे में तशरीफ लाते तो आपके पास ताज़ा लेकिन बेमौसम के फल नजर आते। आपने एक दिन बीबी मरियम से पूछा, ए मरियम, ये फल तुम्हारे पास कहाँ से आते हैं? तुम्हें पता है बीबी मरियम ने क्या जवाब दिया? ये जवाब कुरान शरीफ की सूरह आले इमरान में है। आयत का मफहूम है कि जब कभी जकरिया इसके हुजरे में जाते तो उसके पास रोजी रखी हुई पाते। वो पूछते, ए मरियम, ये रोजी तुम्हारे पास कहाँ से आई? वो जवाब देती कि ये अल्लाह के पास से आई है। बिलाशुबा अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रोजी देता है। फिर फरिश्तों ने आकर आपको बिशारत दी कि अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब कर लिया है। दुनिया जहान में आपको बड़ी इज्जत दी गई है। नेज ये कि आपके यहाँ एक बेटा होगा बिन बाप के, उसका नाम ईसा बिन मरियम होगा। आप बहुत हैरान हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। फरिश्ते ने कहा, अल्लाह ताला के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं, वो तो सिर्फ फरमाते हैं हो जा तो काम हो जाता है। हजरत आदम अलैह सलाम की तरह हजरत ईसा अलैह सलाम भी बगैर बाप के पैदा हुए। उन्होंने अपनी माँ की गोद से ही बातें करना शुरू कर दी थी। यानी जब वो बहुत छोटे थे? जी, नौ जायदा। हजरत ईसा अलैह सलाम की विलादत आबादी से बहुत दूर एक वीरान इलाके में हुई थी। जब हजरत मरियम अलैह सलाम अपने बेटे ईसा के साथ आबादी में आई तो सब ने इन्हें बहुत बुरा भला कहना शुरू कर दिया। आप खामोश रहीं और इशारे से बच्चे की तरफ सबको मुतवज्जो किया। उसी वक्त बच्चे ने, जो हजरत ईसा अलैह सलाम थे, खुदा के हुक्म से कलाम किया और कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इसने मुझे किताब अता फरमाई है और मुझे अपना पैगंबर बनाया है। ये मौजजा था जो अल्लाह ने जाहिर किया। हजरत ईसा अलैह सलाम की पैदाइश, फिर गहवारे में कलाम आपके मौजजात हैं।
लेकिन ये अकीदा गलत है कि हजरत ईसा खुदा के बेटे हैं। तबा तबा, अल्लाह ताला की तो कोई औलाद नहीं, ना उनका कोई हमसर है। जी बिल्कुल, मगर ईसाइयों का ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के नबी और रसूल थे, वो अल्लाह के बंदे थे और उनका लकब था रू अल्लाह। जैसे अब्दुल्ला या बैतुल्ला वगैरह। हाँ, जैसे नाकतुल्ला यानी अल्लाह की ऊँटनी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को और भी तो कई मौजे दिए गए थे। हर नबी को ऐसा मौजा अता होता है जो उसके अहवाले जमाना के मुनासिब हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादू का बड़ा शोहरा था, इसलिए आपको ऐसे मौजे अता हुए जिसे देखकर बड़े बड़े जादूगर हैरान रह गए और उन्हें यकीन हो गया कि ये इंसानी कमाल नहीं। आप मिट्टी के परिंदों को फूंक मारते तो वो असली परिंदों की तरह उड़ने लगते। पैदाइशी अंधे और कौड़ी पर दस्ते शिफा फेर देते तो वो ठीक हो जाते। मुर्दे को कुम बे इज़्निल्लाह कहते तो वो जिंदा हो जाता। ऐसे वाज़े मौजज़ात देखकर भी कई नालायक ईमान ना लाए। वाकई बहुत ही हैरत अंगेज बात है कि मुर्दे को जिंदा कर दिया जाए या मिट्टी के परिंदे को फूंक मारकर जिंदा कर दिया जाए। हाँ, और उनका आखिरी मौजज़ा ये है कि वो अब तक जिंदा है, उन्हें अभी तक मौत नहीं आई। क्या मतलब है आपका, वो अभी तक जिंदा है? इतने सालों तक कहाँ है वो? हाँ, वो जिंदा है लेकिन जमीन पर नहीं, आसमानों में अल्लाह ताला के पास। हुआ यूं कि कुछ साजिशी यहूदियों ने हाकिम वक्त को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ कर दिया। उसने आपको सूली देने का हुक्म जारी कर दिया। आप बैतुल मुकद्दस के एक घर में थे, वहाँ आपके 12 हुआरी भी थे। आपने चश्मे से गुसल किया जो घर के अंदर ही था, फिर उनके पास आए और आपके सर से पानी के कतरे टपक रहे थे। एक रिवायत ये भी है कि आप जिस घर में थे उसका मुहासरा कर लिया गया। मुहासरा करने वाले जब घर में दाखिल हुए तो मुखबरी करने वाले शख्स की शक्ल हजरत ईसा जैसी हो गई और हजरत ईसा को अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया। उन्हें जो नौजवान हजरत ईसा की शक्ल का नजर आया, उन्होंने उसी को फांसी पर चढ़ा दिया। उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया। जो ईसाई वहाँ मौजूद थे उन्होंने यहूदियों की बात तस्लीम करते हुए अपना अकीदा ये बना लिया कि उन्हें फांसी दे दी गई। कयामत के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर आएंगे और सलीब तोड़ देंगे। क्या उस वक्त बीबी मरियम जिंदा थी? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? आहिस्ता भाई, एक एक सवाल करो। इस वाक़े के वक्त बीबी मरियम जिंदा थी और एक रिवायत के मुताबिक आप क्रूसीफिक्शन के 5 बरस बाद 53 साल की उम्र में फौत हुई। और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर आसमानों पर उठाया गया तो आपकी उम्र 33 या 34 के करीब थी। आप दोबारा जमीन पर कब उतारे जाएंगे? ये तो किसी को भी पता नहीं, पर इस बारे में एक रिवायत जरूर है जो मैं तुम्हें बताती हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा सबसे ज्यादा ताल्लुक ईसा से है क्योंकि उनके और मेरे दरमियान कोई नबी नहीं। जब वो नाजिल हों तो तुम इन्हें देखते ही पहचान लेना। उनका कद दरमियाना, रंग सुर्ख और सफेद, बाल सीधे और सर यूं मालूम होगा कि गोया बालों से पानी के कतरे टपक रहे हों। उन्होंने 2 छड़ियां पकड़ रखी होंगी। वो सलीब तोड़ देंगे, खंजीर कत्ल कर देंगे, जजिया खत्म कर देंगे और तमाम मजाहिब को खत्म करके सिर्फ इस्लाम ही को बाकी छोड़ेंगे। इनके दौर में अल्लाह ताला दज्जाल को तबाह कर देगा, फिर जमीन में अमन कायम हो जाएगा, हत्ता के ऊंट और शेर मिलकर चरेंगे, चीते और गायें, भेड़िये और बकरियां इकट्ठे रहा करेंगे, कमसिन बच्चे सांपों से खेलेंगे और एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो 40 बरस तक जिंदा रहेंगे, फिर वफात पा जाएंगे। मुसलमान इनकी नमाज जनाजा अदा करके इन्हें दफन करेंगे। ये है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो माँ की गोद से कब्र तक एक ही खुदा की तरफ दावत देते रहेंगे, नमाज का हुक्म देंगे, जकात का हुक्म देंगे। तो आप लोग भी अच्छी तरह नमाज अदा करने का इरादा करते हैं? जी बिल्कुल।